releasing untold quantities of energy. भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। वैसे तो रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन अब तक भारत ने किसी भी देश पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे में एक सवाल आता है कि अगर कभी किसी परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने की नौबत आ गई तो उसे लॉन्च करने का अधिकार किसके पास होगा और किसके आदेश से परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री के साथ जो ब्रीफकेस लेकर आगे आगे चलता है उसी में परमाणु बम का बटन होता है? क्या आपने कभी इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है? अगर आपने अब तक इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिल जाएंगी। साथ ही आपको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री के साथ जो दो आदमी ब्रीफकेस लेकर चलते हैं उसमें असल में परमाणु बम का बटन होता है या फिर कुछ और होता है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर भारत में किसके आदेश के बाद दुश्मनों पर परमाणु बम छोड़ा जा सकता है। ये सब कुछ हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार लाते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और भारत के परमाणु हथियारों से जुड़ी कुछ बेहद ही अनसुनी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि भारत के पास असल में कितने परमाणु बम हैं। दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था है जो कि पूरी दुनिया के परमाणु संपन्न देशों पर रिसर्च करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर किस देश के पास कितने परमाणु बम मौजूद हैं। जून 2021 में संस्था में एक नया रिपोर्ट पेश किया गया है। उसके अनुसार भारत के पास फिलहाल 156 परमाणु हथियार मौजूद हैं। अब ये परमाणु बम कहाँ रखे होते हैं, इनकी जानकारी बेहद गोपनीय होती है। सुरक्षा कारणों से आज तक कभी भी ये जानकारी लीक नहीं की गई कि आखिर भारत के परमाणु बम कहाँ रखे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के साथ जो दो ब्रीफकेस लेकर बॉडीगार्ड चलते हैं, क्या सच में उसी में परमाणु बम का बटन या कोड होता है जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं? YouTube पर इस तरह के सैकड़ों वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें ये दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री के साथ चलने वाले बॉडीगार्ड के हाथ में जो ब्रीफकेस होता है असल में उसमें भारत के परमाणु हथियार का बटन होता है या फिर वो कोड होता है जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री परमाणु बम के हमले का आदेश दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दावा पूरे तरीके से फर्जी और बेबुनियाद है। असल में जो दो बॉडीगार्ड अपने हाथ में ब्रीफकेसेस लेकर प्रधानमंत्री के आगे आगे चलते हैं, उन ब्रीफकेस में बुलेट प्रूफ शील्ड होता है। आम बोलचाल की भाषा में ये समझें कि ब्रीफकेस में बुलेट प्रूफ चादर होती है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री पर अचानक आने वाले खतरों की स्थिति में किया जाता है। इसलिए ये ब्रीफकेस लेकर चलने वाले बॉडीगार्ड हमेशा प्रधानमंत्री के आगे और दोनों ओर होते हैं ताकि जरा सा भी अगर खतरे का अंदेशा हुआ तो तुरंत इन ब्रीफकेसेस को खोलकर प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ चादर के पीछे छुपा सकें। यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि प्रधानमंत्री के साथ चलने वाले बॉडीगार्ड के हाथ में जो ब्रीफकेस होता है उसमें परमाणु बम का बटन या कोड नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ सील्ड होता है। चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि आखिर भारत में परमाणु बम का कंट्रोल किसके पास है और किसके आदेश पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में परमाणु हथियारों का पूरा नियंत्रण न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी NCA के पास होता है। NCA के पास ही परमाणु हथियारों का कमांड और कंट्रोल होता है और उसके साथ ही परमाणु हथियारों के ऑपरेशनल डिसीजन लेने का भी अधिकार NCA के पास ही होता है। यानी इन हथियारों का इस्तेमाल कब करना है इसका पूरा अधिकार NCA ही करता है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के दो काउंसिल हैं। पहले काउंसिल को पॉलिटिकल काउंसिल कहा जाता है जिसके प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि दूसरा काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है जिसके प्रमुख भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। इन दो प्रमुख सदस्यों के अलावा इस कमेटी में देश की सेना, इंटेलिजेंस और राजनीति से जुड़े कई बड़े चेहरे शामिल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावर प्रधानमंत्री के पास ही होता है। भारत का परमाणु प्रोग्राम इतना गुप्त है कि इसे लॉन्च करने का अधिकार किसके पास है या एक परमाणु बम को इस्तेमाल करने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है यह आज तक गुप्त रखी गई है। साथ ही इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं इसकी भी जानकारी सुरक्षा कारणों से पब्लिकली नहीं दी जाती। हालांकि भारत की परमाणु पॉलिसी में ये बात टॉप पर है कि भारत कभी भी किसी देश पर पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए और भारत पर हमले का खतरा महसूस हुआ तो भारत अपने बचाव में इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।
भारत में परमाणु बम के इस्तेमाल करने से पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी गुप्त ही रखी गई है। लेकिन कहा जाता है जब परमाणु बम के इस्तेमाल करने वाली स्थिति बन जाती है तो सबसे पहले न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें इस कमेटी के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इसमें मौजूद होते हैं। इन सब के अलावा देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री को भी शामिल किया जाता है। अगर इस मीटिंग में सभी लोगों की राय बन जाती है कि अब परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए तो प्रधानमंत्री द्वारा एक सील बंद ऑर्डर बेहद ही गुप्त तरीके से न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सबसे निचली टीम को दिया जाता है, जिसको फाइनली परमाणु हथियार लॉन्च करना होता है। वैसे आपको ये वीडियो देखकर लग सकता है कि परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की प्रक्रिया काफी आसान है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि इसे लॉन्च करने से पहले काफी लंबी मीटिंग चलती है, साथ ही बहुत सारे पहलुओं पर भी गौर किया जाता है। उसके बाद ही परमाणु बम के लॉन्च करने का ऑर्डर दिया जाता है। अब जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, परमाणु बम का एक कोड प्रधानमंत्री के पास होता है, जबकि दो कोड कहीं गुप्त जगह पर रखे जाते हैं और फिर इन तीनों कोड का मिलान किया जाता है, उसके बाद परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बातें फर्जी और मनगढ़ंत हैं, क्योंकि आज तक इस तरह की कोई जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ गया होगा कि असल में भारत में परमाणु बम के इस्तेमाल करने का ऑर्डर देने का अधिकार किसके पास है। साथ ही प्रधानमंत्री के आगे जो बॉडीगार्ड हाथ में सूटकेस लेकर चलते हैं, उनमें क्या होता है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। साथ ही अगर आप अपने देश भारत को पसंद करते हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लगातार लाते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जान सकें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।